जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमजा बशीर और आप देख रहे हैं मुगर रियलिटी चैनल। जी हाँ, मैं आपके पास खिलाफत उस्मानिया की ऐसी पुरसोस कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद खान रहमतुल्लाह अलैह ने जब जर्मनी के साथ रेलवे लाइन का मायदा किया था तो एक शर्त ये भी रखी थी, जब कारीगर काम करते हुए मदीना पाक से 20 किलोमीटर दूर रह जाएंगे तो अपने हथौड़ों पर कपड़ा बांध लेंगे ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर में शोर की आवाजें ना आए। अल्लाह अल्लाह, कैसे मोदब इंसान थे वो लोग। खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा अब्दुल हमीद सानी अपने वक्त के बहुत बड़े शायर और आशिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके दौरे खिलाफत में इस्तांबुल से मदीना शरीफ जाने के लिए ट्रेन सर्विस शुरू की गई। आज भी वो रेलवे लाइन मदीना शरीफ में बिछी हुई है और तुर्की रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। उस जमाने में ट्रेन का इंजन कोयले का हुआ करता था। मुकम्मल तैयारियां होने के बाद मदीना शरीफ में तुर्की स्टेशन पर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को ओपनिंग के लिए बुलाया गया तो सुल्तान ने देखा कि कोयले वाला इंजन भड़भड़ आवाजें निकाल रहा है तो सुल्तान अब्दुल हमीद गजबनाक हो गए और कचरा उठाकर इंजन को मारना शुरू कर दिया और कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इतनी तेज आवाज, अदब गा सीयत ज़ेरे अस्मा अज अशर नाजक तर नफ़ गुम करदा में आए जुनेद उबा यजीद एंजा। तकरीबन 100 साल का अरसा होने को आया। उस वक्त जो इंजन बंधा हुआ था वो आज भी ऐसे ही मदीने शरीफ में रखा हुआ है जो तुर्की स्टेशन से मशहूर है। इस कदर अदब के वो इंजन की बुलंद आवाज को भी शहर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पसंद नहीं करते थे तो सोचो वो अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत फरमाते होंगे। ये इश्क था, ये अदब था जो उनके सीनों में मौजन था। अल्लाह भी हमें भी ऐसा इश्क व अदब और शहर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी नसीब करे। अल्लाह हमको भी ऐसा आशिक रसूल बनाए और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके पास ये कहानी इसलिए लेकर आया था ताकि हम अपने आप को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक डाल सके। ऐसा इश्क था, अल्लाह हमें भी ऐसा इश्क नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।